अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल पर चटखारे प्रोग्राम विद नमाज़न जुमन आरज़े हमीशा। अभी हमारे एक बड़े जबरदस्त से गेस्ट शो में शामिल हो रहे हैं, सो बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होगी उनके साथ। आज का ये जो सेशन है ये आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं, आई एम श्योर। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग सुनो एफएम 89.4। देखते रहिए, सुनते रहिए। तो जनाब, अब हम शो का आगाज करते हैं। शो का आगाज तो करना ही है, लेकिन हम ये गेस्ट सेशन का आगाज करते हैं जनाब। Welcome back. You're tuning to the latest FM radio network, Suno FM 89.4. This is me, Raja Amisha from the host studio. आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और ये आवाज आपकी समातों से टकराती रहेगी ठीक 10 बजे तक। सो जनाब, हमारे यहाँ स्टूडियो में एक बहुत ही जबरदस्त कव्वाल मौजूद है, मजीद मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम मजीद मियाँ। मजीद नहीं, मजीद मियाँ। अच्छा मजीद मियाँ, अच्छा नवाज साहब ने मुझे मजीद बताया। अरे मैं उसकी गलत फहमी है। अच्छा। वो बच्चा देखने में भी गलत नजर आता है। अच्छा। एक तो ठिंगना छोटे से छोटा कद है। अरे जो बंदा छोटे कद का हो, अरे उसको क्या कहना जिसको ऊपर का पोर्शन भी नजर ना आए, उसका क्या कहना। अच्छा। अरे यकीन कीजिएगा, मैं बताना ये चाहता हूँ। अच्छा। कि सुनो एफएम 80.4 89.4 वो ठीक है, 9 आपने शामिल किया, मैं आपका शुक्र गुजार हूँ। आपने बुलाया, मैं रक्षे में चला आया, दरवाजे में मेरी कमीज का अगला हिस्सा आया, फिर चीची दरवाजे में आई, मेरी चीचिया चला महिला ले आ, घर जाके शिकायत लगाऊंगी। पंजाबी के साथ आपने देखो मैं मस्जिद मियां, अरे कवाली करने वाला ऐसा इंसान, जहां भी गए दास्तां छोड़ाए। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे गाए हुए कलाम, मेरे गाए हुए गायकी, मेरी गाई हुई कवाली, अरे हर जदे आम बच्चे के मुंह पर भी होती है, हर जुबान जदे आम है। ओके, और मैं अपने लिसनर्स को भी बता दी चलूं हाउ टू पार्टिसिपेट इन द शो। अपने मोबाइल की राइट में इसमें जाइए, सुनो लिखिए, स्पेस दीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, मैसेज टाइप कीजिए, भेज दीजिए 888 पर। उस मैसेज में आप मजीद मियां, जो कि काफी मजीद ये आ चुके हैं स्टूडियो में, यानी कि समझ लीजिए कि आपके स्टूडियो में ढेर लग गया। बिल्कुल सही बात है। सो आप इनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, कोई अपनी फेवरेट कवाली जो है वो आप बता सकते हैं, ये आपको गुनगुना कर सुनाएंगे। और जनाब, नहीं नहीं, मैं किसी की फरमाइश पूरी नहीं करूंगा, जो मुझे आती है मैं वही सुनाऊंगा। तो फिर आप किस किस्म के मजीद हैं? देखे, फिर तो आप बच्चे के बात सुने, ये चीजें जो याद करने वाली होती है, ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, तुमने मुझे गेस्ट बुलाया, मैं चला आया, ये मेरी हुस्ने अनायत है। आप मेरी बात सुनिए, आप थोड़ी देर चुप होने का क्या लेंगे मजीद मियाँ? अरे मैं बता दूं, चेक 5,000 का होगा तो नहीं लूंगा, 10 का होगा तो फिर भी नहीं लूंगा, कम अज कम 15 का हो तो उस हिसाब से अपना मुंह भी लेकर आते आप। पैसों की डिमांड तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बहुत प्यारा मुंह है। देखो आप अगर मुंह के हिसाब से पैसे लेते हैं तो फिर आप तो यहाँ मुफ्त काम करती होंगी। आपने आंखें खोलकर हमारा चेहरा नहीं देखा। आंखें मैं खोल नहीं सकता, मैं अंधा हूँ। वही तो बात है, आवाज से अंदाजा लगा लीजिए किस कदर हुस्न बिखर रहा है यहाँ। अरे क्या कहने क्या कहने, मैं कबाबी, मेरा बाप कबाबी, अरे जब कबाब इतने सारे आ जाए तो 1200 का बिल बनता है। मैं कबाबी कबाबी मैं कबाबी, अरे कबाब कबाब खाने का अपना मजा, नान के साथ खाइए तो अपना मजा, रोटी के साथ खाइए तो अपना मजा, अरे सादा खाएंगे तो अपना मजा, अरे 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 सीख से निकाल कर खाएंगे तो अपना मजा। मैं कबाबी कबाबी मैं कबाबी, रुकिए तो मैं भी शुरू हो गई थी आपकी कवाली के साथ साथ। सो जनाब, यही तो क्वालिटी है मजीद मियां की। अरे जो गाता है साथ वाला भी झूम उठकर साथ साथ गुनगुनाने लगता है। अब बात ये है मजीद मियां कि आप जो हैं, एक तो देखते नहीं है, नजर नहीं आपको आता, अंधे हैं आप, और अंधे होने के साथ साथ मुझे लगता है बहरे भी हैं, आपको मेरी आवाज भी नहीं आ रही है। देखिए जब मैं गा रहा होता हूँ तो मैं ना अपने बाप की भी नहीं सुनता। लेकिन यहाँ पे आपको हमारी सुननी पड़ेगी क्योंकि आप इस
वक्त सुनो के स्टूडियो में मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो में। अच्छा बात यह है कि आप अभी कबाब की बात कर रहे थे, तो आपका मुंह भी कबाब जैसा है और आप कबाब भी बेचते हैं, तो कवाली भी गाते हैं, करते क्या है आप? कबाब नहीं बेचता, कबाब शौक से खाता हूँ, अच्छा, क्योंकि कबाब 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 पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम भाई साहब। देखिए भाई साहब कहना, ये असल में ये कान मेरा बंद है कल से। अच्छा हो जी, कान अब वही तो कह रही हूँ, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा। जब आपको दिखाई नहीं दे रहा तो भाई साहब कहने में हर्ज क्या है? आपको क्या पता कि यहाँ पर कौन बैठा है? कि गुदड़ी में लाल है हम जानते हैं। अरे अगर तुम्हारी तारीफ कर दी तो तुम तो फिर हमें मुंह नहीं लगाओगी, हमसे बात नहीं करोगी। अच्छा। हम इसलिए तो कहते हैं कि हमें कबाबी 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 कबाबी, दुकान पर जाके खाने का अपना मजा है, घर ला कर खाने का भी अपना मजा है, जब ठंडा हो जाए तो फिर अपना गला बिठाने का भी अपना मजा है, अगर कबाब खाकर भी ठंडा पानी पी लो तो उसका भी अपना मजा है, अगर पानी की जगह बोतल पी लो तो भी उसका अपना मजा है, अगर चटनी के साथ कबाब खाओगे तो भी उसका भी अपना मजा है, अगर अगर चटनी के साथ अगर अगर रायते के साथ भी कबाब खाओगे तो उसका भी अपना मजा है, अगर इतने कबाब जब चटनी के साथ खाए जाए तो फिर एक ही मतलब बनता है, मैं कबाबी 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 कबाब। आप ये सब काम छोड़ के मेरे साथ तालियां बजाने में लग जाए। मजीद मियां यकीन करे, इतना मजा आ रहा है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी आपके साथ जो है ना ये कवाली सेशन बहुत खूबसूरत होगा, खूबसूरत होगा, लोग कहेंगे ये देखिए आप मेरा नाम मजीद अगर नहीं आपके मुंह पे चढ़ रहा, आप खाली मियां भी मुझे कह सकती है। एक्सक्यूज मी, आपकी शक्ल है मियां वाली। चलो आप मियां नहीं कह सकती तो ये कह दो अजी सुनते हो। मैं तो नहीं सुनती लेकिन आप सुनिए जरा, ये सुनाइए। अरे जनाब, ये था फनी सा सेक्शन एक गपशप का, और ये गपशप चिचैट जो थी वो आप सुन रहे थे चटकारे प्रोग्राम में, और ना सिर्फ सुन रहे थे बल्कि सुनो डिजिटल पे अब तो आप देख भी रहे हैं। तो जनाब ज्यादा से ज्यादा इस जो हमारे चटकारे की जितनी भी वीडियोस हैं इसको आप शेयर कीजिए। नवाज साहब आप भी बोला करें जी। जी आप बोल रही है तो फिर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा तो फिर लोग मेरी तरफ तवज्जो करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे थे सुनो डिजिटल पर हमेशा को बिल्कुल, और ये वीडियोस आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और जरूर भेजा करें। हाँ बिल्कुल, आपके कमेंट्स मींस अ लॉट और उनके थ्रू हमें पता चलता रहता है कि आप पसंद कर रहे हैं हमारे चटकारे प्रोग्राम को। सो कीप इन टच, कीप लिसनिंग सुनो FM 89.4 एंड कीप वॉचिंग सुनो डिजिटल।